Sound of Charity Trust welcomes you all to this 2 days trip on the State Jal Jeevan Mission Arunachal Pradesh. अपने कार्यक्रम का शुभ उद्घाटन करेंगे और उसके लिए मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया सभी खड़े हो जाएं और मेरे साथ ये प्रेयर दोहराएं। जल आनंद का सूत्र है, जल आनंद का सूत्र है, ऊर्जा का भंडार है, ऊर्जा का भंडार है, कल्याणकारी है, कल्याणकारी है, पवित्र करने वाला है, पवित्र करने वाला है, और माँ की तरह, और माँ की तरह। एसोसिएट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट असम डाउन यूनिवर्सिटी। हमारे दूसरे एक्सपर्ट है डॉक्टर लैशराम शांति कुमार सर, एसोसिएट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी असम डाउन यूनिवर्सिटी। हमारे तीसरे एक्सपर्ट है डॉक्टर विजय दास सर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, असिस्टेंट प्रोफेसर है असम डाउन यूनिवर्सिटी की तरफ से। सबसे पहले हम लोग का पहला सेशन स्टार्ट करेंगे जो होंगे रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बीडब्ल्यूएससी। आप सब मैक्सिमम लोग यहाँ से बीडब्ल्यूएससी के मेंबर्स हैं और आईसी के भी मेंबर्स हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे जो हम लोग का रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उन सबके ऊपर हम लोग एक विस्तार से डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट है हम लोग के लिए कितना बड़ा कंसर्न है अभी जो जितना भी हम लोग का पानी का सोर्स है, जितना भी हम लोग का जितना भी एनवायरमेंट है, वो सब धीरे धीरे बहुत उसमें डिप्लेशन हम लोग को मेंटेन करके रखना जरूरी है और हम लोग कैसे कर सकते हैं उसको, उसके ऊपर भी हम बहुत अच्छा डिस्कशन होगा। और उसके बाद लास्ट डिस्कशन होगा हम लोग के ऊपर जिसको हम बोलते हैं हर घर जल जीवन डिक्लेरेशन प्रोटोकॉल। डिक्लेरेशन प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसके ऊपर हम लोग सर्टिफिकेशन की ओर बात करेंगे। इसमें भी अभी अरुणाचल में हम लोग का जल जीवन मिशन ऑलमोस्ट 94% 95% इंप्लीमेंट हो गया, लेकिन उसके बाद भी हम लोग का सर्टिफिकेशन देना बहुत जरूरी है। तो वो कैसे करेंगे, क्यों करेंगे और कब करेंगे उसके ऊपर सर आप लोग को एक अच्छा डिस्कशन करके दे देंगे। उसके साथ ही हम लोग का और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जल जीवन मिशन असम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी और स्टेट जल जीवन मिशन के तरफ से मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ इस 2 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आप लोग दूर दूर से यहाँ पे आए हैं, अपना सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन इस ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंस देते हुए आप लोगों ने यहाँ पे आया है और आप लोग यहाँ पे 2 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आए हैं। इसलिए मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे आए हैं और मेरे आशा है कि इस 2 दिन में आप लोगों को जो भी यहाँ पे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों को बहुत फायदेमंद रहेगा, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो मेरे साथी जो है मिस्टर विशाल ने आप लोगों को जो जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इस 2 दिन के ट्रेनिंग के प्रोग्राम के बाद प्रोग्राम में, ये तो आप लोगों को बता ही दिया, जिसमें सोर्स सस्टेनेबिलिटी, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग, BWSC के रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज और इस तरह से हम लोग वाटर क्वालिटी का टेस्टिंग करेंगे, किस तरह से जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है इसके बारे में किस तरह से हम लोग को पहचानना है कि कौन सा मटेरियल अच्छा है इसके बारे में डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा। तो ये काफ़ी सारा टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके ट्रेनिंग प्रोग्राम है। जैसे कि आप लोगों को पता है ये 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है और इस 2 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप लोगों के लिए ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, यहाँ रहने का भी व्यवस्था किया गया है। तो आप लोग जो भी दूर से आए हैं उन लोगों को रिक्वेस्ट है कि वो जो रेसिडेंशियल प्रोग्राम का जो फैसिलिटी है, रहने का जो फैसिलिटी है, इस फैसिलिटी को आप लोग अवेल कीजिए, यहाँ पे रहिए और 2 दिन का पूरा सेशन आप लोग अटेंड कीजिए। साथ में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप लोगों के सुविधा के लिए हम लोगों ने ब्रेकफास्ट, लंच और चाय का भी बंदोबस्त किया है। तो जैसे ही जैसे जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे चाय का वक्त आएगा, लंच का वक्त आएगा, तो आप लोग सभी लंच और चाय हमारे साथ कीजिए। मैं
स्टार्टिंग में ही आप सब सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सभी हमारे साथ लंच लीजिए, चाय पीजिए। इस दो दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लास्ट में जब कॉम्पिटिशन में आएंगे कल, तो आप सभी को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सब लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम के पूरे सेशन अटेंड कीजिए और आप सभी को हम लोग सर्टिफिकेट देंगे, कॉम्पिटिशन का सर्टिफिकेट देंगे, पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट देंगे। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो यहाँ पे आए हैं दूर दूर से और आने जाने का जो आप लोगों को थोड़ा खर्चा उठाना पड़ा है, तो इसके लिए भी आने जाने का जो खर्चा है उसको भी हम देने के लिए यहाँ पे व्यवस्था किया है। तो सर्टिफिकेशन के बाद आप लोगों को जो टू एंड फ्रो आने जाने का जो खर्चा है वो भी हम लोग देंगे। साथ में मैं ये इलाके में अपने बस्ती में उसको बिल्ड किया जाए, बनाया जाए और कंस्ट्रक्शन किया जाए, इसके बारे में हम लोग सब जानकारी अभी तक ले रहे हैं। लेकिन इस बार का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो मुद्दा है, जो गोल है, वो थोड़ा अलग है। किस तरह से अलग है कि इस बार का जो ट्रेनिंग हम लोग लेंगे उसमें हम लोग ट्राई करेंगे, सीखेंगे और फोकस ये रखेंगे कि आप जब जल जीवन मिशन का वाटर सप्लाई सिस्टम यहां कंप्लीशन के तरफ है, कहीं कहीं जगह कंप्लीट हो गया है, तो अभी किस तरह से इस जल जीवन मिशन के वाटर सप्लाई सिस्टम को हम लोग ओनरशिप लेके इसको चलाएंगे, मैनेज करेंगे, ताकि इस वाटर सप्लाई सिस्टम से जो बेनिफिट है इसको सालों साल तक हमें मिलता रहे। सरकार को कहते हैं समराइज करने का कोशिश करते हैं। So moving on to the first role, there is identification and recommendation of the catchment areas to the district board. So इसमें क्या करना है कि आपका बस्ती में जो जो वाटर सोर्स है, वाटर सोर्स के आसपास जो कैचमेंट एरिया है, सो इनको आपको आइडेंटिफाई करना है और आपके जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है वहां उनको इन्फॉर्म करना है, सो दैट कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है ये इनको प्रोटेक्ट कर सके। सो इसमें और भी दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये आपका वाटर सोर्स है, सो फॉर द रूरल एरियाज अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट क्या दिया गया है कि आपका झरना का लेफ्ट साइड में 50 मीटर्स, राइट साइड में 50 मीटर्स और ऊपर का साइड में 500 मीटर्स, इतना एरिया आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। इस एरिया में आपका कोई भी फार्मिंग एक्टिविटी हो गया, डिफोरेस्टेशन हो गया, कुछ भी ये सब नहीं होगा। सो दिस इज फॉर द रूरल एरियाज। देन आपका जो सेमी अर्बन एरिया बेटा हुआ है, आप लोगों का देने वाला आने वाला साल खत्म होने वाला है, तो 5 साल कैसे बनेंगे वो? जैसे तो मतलब अभी चेयरपर्सन या फिर जो एक गवर्नमेंट मतलब जो भी मिनिस्टर होता है, एक टेन्योर होता है, तो वो टेन्योर का अभी खत्म होने वाला है हम लोग का। नहीं, आपका जो फॉर्मेशन हुआ है फॉर्मेशन के बाद में 5 साल होगा। फॉर्मेशन के बाद 5 साल, तो आप आने वाले साल ट्रेनिंग देने से दिक्कत होगा क्योंकि अब तो आप लोग का बचा नहीं है ना। नहीं, इस नॉट देयर मतलब मान लीजिए आपका अभी का जो कमिटी है उसमें जो है वो लोग नेक्स्ट कमिटी में नहीं हो सकते, वो ऐसा नहीं, उन लोग से भी कोई भी होगा, मतलब रीशफल होगा। हम लोग डिस्कस करेंगे किस किस वजह से सोर्स कमजोर होता है, किस किस वजह से सोर्स डिग्रेड होता है, या फिर अभी ये धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरह से हम लोग उसको सस्टेन करके रख सकते हैं उसके बारे में बात करें, ओवरऑल हम लोग इसके बारे में बात करेंगे और मैं ट्राई करेंगे सिंपल भाषा में समझाने का ट्राई करूँ। नेक्स्ट, या नेक्स्ट। सो अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि सोर्स सस्टेनेबिलिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो मैं चाहता कि पहले आप वो वीडियो देखें और समझें कि इसका इम्पोर्टेंट क्या है। Died due to unsafe water, while 600 million Indians
फेस एक्यूट वाटर शॉर्टेज। दो सेशन आप लोगों ने अटेंड किया, पहला जो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ PWSC और उसके बाद एक टेक्निकल सेशन आप लोगों ने अटेंड किया जहाँ पे आपको कैचमेंट एरिया प्रोटेक्शन और सोर्स स्ट्रेंथनिंग, किस तरह से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके बारे में आप लोगों को बताया गया। तो अभी लंच से पहले हम लोग और हाफ एन आवर टाइम लेंगे और यहाँ पे एक एक्टिविटी करेंगे जहाँ पे मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सब आप सभी लोग मेरे मिल के चार ग्रुप बना लीजिए, जैसे ग्रुप बी, ठीक है, आप लोग जो वहाँ बैठे हैं आप लोगों का ग्रुप नेम हो गया ग्रुप सी, ठीक है, और यहाँ पे जो बैठे हैं आप लोगों का जो सबसे छोटा ग्रुप है दिखाई दे रहा है ऐसे, तो आप लोगों का हो गया ग्रुप डी। अकाउंटिंग और फाइनेंस को बोलने के लिए डिस्कशन में क्या निकल के आया है, मैं रिक्वेस्ट तीन मेंबर यहाँ आए, दो मेंबर जो है थोड़ा हेल्प करें डिस्प्ले करने के लिए, आप लोग सबसे पहले हम लोग अकाउंट को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हम लोग अकाउंट ओपन करना है जो ने काम PWSC चेयरमैन या जो भी हो, मिनिमम तीन करके हम लोग फर्स्ट सबसे पहले नंबर वन अकाउंट ओपनिंग करना है, सेकेंड हम लोग ओपन करने के बाद क्रेडिट कलेक्शन करना है घर घर से, मतलब रेवेन्यू वो सब देना है, तो वो सब दे के ये अकाउंट में डालना है। आप सबको नमस्कार, मेरा नाम हमारी यादव और मेरा साथ में जो मेंबर्स जो पार्टनर का ग्रुप का नाम है थैंक यू सो मच। फिलहाल हम लोग ग्रुप सी का है, तो मैं ग्रुप सी का साइज से जितना हम ग्रुप जितना BSW उस टैंकी में जितने भी पानी है उसको हर महीने मतलब हम लोग को साफ करना है, मेंटेन करना है, उसके बाद कोई इतना इम्पोर्टेंट और जो हम लोग का यहाँ में लाइफ लाइन है वाटर, तो पानी हम लोग का लाइफ लाइन है, उसको आप लोग अगर हम लोग को यहाँ में इतना दूर से आके हम लोग को ट्रेनिंग दे रहा है, अवेयरनेस दे रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग सबसे लेट वाला ग्रुप है तो हम लोग एक सॉरी भी कहना चाहूँगी कि हम लोग एक मीटिंग में गया। पानी को खुद ने क्यों खराब कैसे कर दिया वो बता दिया, और बता दूं मैं तो जियोजेनिक जो है वो क्या चीज है, मतलब उसी लोकेशन में पानी जो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने आज सीखा उस जानने के लिए, तो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो मैं एक थोड़ा छोटा मोटा क्विज के हिसाब से जानना चाहूंगा। मैं पहले क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, कोई भी हाथ उठा सकता है और आंसर दे सकता है, कोई हाथ नहीं उठाएंगे तो मैं खुद अपने आप चलाता हूँ।
अकाउंट में जब चेक होगा वो कौन कौन सिग्नेचर करेगा? टेजरेल होगा और चेयरमैन होगा। आज क्या क्या है? अंडा, सब्जी, पूरी। आप सभी को फिर से आज के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसमें मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। आज सेकेंड डे है ट्रेनिंग प्रोग्राम का और इस सेकेंड डे में तीन मुख्य पार्ट रहेंगे। एक तो हो गया क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक सेशन रहेगा, सीनियर आदमी है। हाँ, एक में आ रहा है ना, ठीक है। तो हमने क्या रेंज बताया आपको, देखा है आपको तो खींच रहा है, ठीक है। आपको करने देगा अभी, आपको करना है ना। डेली कितना होना चाहिए था? 6.5 से लेकर 8.5। जब 8 में आ गए तो आपका पानी अभी अच्छा है, पीने के लायक है एज फार एज पीएच इज कंसर्न, ठीक है। तो ये सेफ हो गया। तो और भी कोई भी आदमी आइए, खुद करिए इसको, एक बार आइए, एक ही बात है आपको जस्ट करना ही है, आइए। क्या बोला है? अभी कैसे करना है? जो भी आपने ब्रिक लेके आया है, 10 ब्रिक लेके आया है, 20 ब्रिक लेके आया है सैंपल से, मतलब जो बैच है वहाँ से कुछ भी ऐसे पेयर लेके बना लीजिए, पेयर बना लीजिए और उसके ऐसे अच्छा क्वालिटी का नहीं आएगा, बिकॉज मुझे छूके लग रहा है ये थोड़ा मॉइस्ट है, इसके अंदर पानी है, बिकॉज पानी ऑलरेडी सोख चुका है, कहीं से तो आया है, बारिश दे रहा है ना, सोख रहे, ठीक है, बाहर से लाया ना तो ये सूखा हुआ है। तो अगर वो अच्छा क्वालिटी का अभी बन के आया है, पानी का कॉन्टेक्ट में नहीं आया है, तो वो अच्छा साउंड, पिच हाई, क्लियर साउंड मिलेगा आपको मेटल में।
प्रेजेंटेशन जो जयंत सर ने आप लोगों के सामने रखा, किस तरह से कंस्ट्रक्शन मटेरियल को पहचानना है। अभी एक ऐसा टॉपिक है जो मैं चाहूँगा कि मेरे साथी मिस्टर राजगुण हेनरिक, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, वो आप लोगों के सामने रखिए। जो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हम लोगों को जो जल जीवन मिशन की तरफ से जो वाटर सप्लाई सिस्टम हमको मिला है, तो वो काम ख़त्म हो जाने के बाद हमारे बस्ती को जल जीवन मिशन सर्टिफाइड करना है और हम लोगों को एक सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा। तो उस सर्टिफिकेट को काम हो जाने के बाद किस तरह से अप्लाई करना है और कैसे हमको मिलेगा, इसको जो प्रोसेस है क्या करना है, इसको आप लोगों को बताने के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा राजगुण सर को। मैंने इससे पहले जो जो अब मैंने 6 पॉइंट्स बताया है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा देन आपको क्या करना है, आपको अपने असिस्टेंट इंजीनियर उनके पास जाना है और बोलना है कि हम लोग का बस्ती में जल जीवन का काम हो गया है। देन अगर हो जाता है देन आपका इंजीनियर सब कुछ देख के आपको एक कंप्लीशन रिपोर्ट देगा। सो ये हो गया पहला डॉक्यूमेंट, कंप्लीशन रिपोर्ट। देन सेकेंड आपको क्या चाहिए, एक आपके जो पंचायत है उनसे एक प्रपोजल चाहिए होगा, मतलब मान लीजिए एक एप्लीकेशन। सो आपका जो पंचायत सेक्रेटरी है वो एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेंगे, एक एप्लीकेशन लिखेंगे। सो ये हो गया आपका सेकेंड डॉक्यूमेंट। देन थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज अ वीडियो। सो इस वीडियो के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो VWC मेंबर का नाम हो गया, वाटर टेस्टिंग वॉलंटियर्स का नाम हो गया, देन वो आधार कार्ड, ये सब आपको, ये सब डाटा आपको जल जीवन वेबसाइट में अपलोड कर देना है। ओके, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है देन आई थिंक आई कैन एंड माय सेशन। थैंक यू सर, रखता हूँ कि ये जो इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिला है ये बहुत काम पे आएंगे। तो इसी के साथ मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझे ये बताया गया है कि जेई मिस्टर AK सिंह सर आज हमारे बीच है और जेई तासो राजा सर भी आज हमारे बीच है। तो दोनों को मैं हमारे डाउनटाउन चैरिटी ट्रस्ट और असम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी की तरफ से सर आप लोगों को वेलकम करता हूँ इस 2 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आप लोगों को मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, आप लोगों को पता है कि ये हम लोग का 4th बैच है यहाँ पे और पूरे 4 बैचेस का ट्रेनिंग प्रोग्राम 0 में कंप्लीट हो गया है और अरुणाचल में भी अलग अलग जगह काफ़ी सारे बैचेस का ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोगों ने किया है। ऑलमोस्ट मोर देन 20 डेज वी आर हियर इन डाउनटाउन। सो और एक संग्राम में एरिया बाकी है, इससे पहले बासार में हो गया, मेसुका में भी हो गया, तो इस तरह से कंप्लीशन की तरफ आए हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड एनकरेजिंग अस। And I would like to request now Mr. Tasso Raja. So, sir, can you please come forward to the dais and I request you to kindly address the gathering. Sir, आप थोड़ा आपके भाषा में और जो भी आज लोग यहाँ पे participant आए हैं तो आप उन लोगों से 2 शब्द कहें तो बहुत सभी को खुशी होगा और इसी के बाद हम लोग FT के जो किट हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और सर्टिफिकेट भी देंगे। थैंक यू सर। मनोरम आलवाया, ये जल जीवन मिशन के तहत जो कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग था Level 3 का वो आज समाप्त होने को आया है। ये आपने बताया कि सर ये 4 बैचेस में आपने 2-2 दिन का हर ग्रुप को ट्रेनिंग कराया है, ऐसे करा के तो उस दौरान में जितना भी ट्रेनिंग से आज आप सबको मनारू सलो का ट्रेनिंग हो तो अनु मैंने सीखी गला भतदो लाइन दो हमी भुजो सलोनी का ट्रेनिंग में मनु तक ला आटो तो ले बाओ Manapula la iso manano sai oi ka sai noi am hona de sibane oi sai noi to pe manano si si moina so ki ako ko chabla de sibane la jimi jiro ai se grupo ka ko chabla so sibane et
म्यूजियम पानी समितियों का खुला क्या नाम है तो राजा सर आपको ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शुरुआत कीजिए सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का। तो पहले मैं बुलाना चाहूंगा सर्टिफिकेट के लिए श्री हागे उत्तम VWSC हरी। और नाम बुलाने में थोड़ा इधर उधर हो सकता है। श्री नारंग पामू राधे राधे यापा श्री मीनो कानिया। तो सब लोग को सर्टिफिकेट मिल गया ना, कोई बाकी रहा है क्या? ओके ठीक है, तो इसके साथ यहाँ पे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन समाप्त होता है। थैंक यू सर दोनों को कि आप लोगों ने यहाँ पे बढ़िया से हम लोग का जो उत्साहित किया हम लोगों को और यहाँ पे आए और सर्टिफिकेट भी डिस्ट्रीब्यूशन किया, FTK किट भी डिस्ट्रीब्यूट किया। अभी आप लोगों को टू एंड फ्रो हम लोगों ने जो पहले बताया था कि जो आने जाने का आप लोगों का खर्चा है उसका भी थोड़ा बंदोबस्त हम लोगों ने किया है। तो अभी आप लोगों को एक एक करके टू एंड फ्रो दिया जाएगा। और उससे पहले दिगंतो सर आज कुछ ग्रुप फोटो का ये सिस्टम है क्या है? तो पहले एक बार सब लोग आज आए हैं तो ग्रुप फोटो एक ले लेते हैं, उसके बाद एक एक करके हम लोग टू एंड फ्रो जो है आप लोगों को देंगे और उसके बाद आप लोग हम लोग के साथ लंच कीजिए। डाउन टाउन के ऑफिस में ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया है।